विधानसभा, हमारे बोलांगीर के सांसद और हमारे उम्मीदवार जी संगीतराज सिंहदेव जी, बीज मोहन अग्रवाल जी जो हमारे छत्तीसगढ़ की मंत्री है, हमारे नेता है, विक्रम सिंह शेखावत जी राजस्थान से विधायक है, गजेंद्र सिंह यादव जी छत्तीसगढ़ से विधायक है, शिवाजी महाती जिला अध्यक्ष जी, लक्ष्मण देव जी हमारे उम्मीदवार विधानसभा जी, मुकेश रही सिंह जी, तुलसीराम अग्रवाल जी, हितेश बगर्ती जी, सुभाष अग्रवाल जी, भूपेंद्र दामोद जी, बक्सा बेहरा जी, दामो सुना जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, मंच में विराजमान भाइयों बहनों, सभा में विराजमान भाइयों बहनों, माता और पिता, सबसे पहले मैं आप सबको नमन करता हूँ। बलांगीर अधिष्ठाती देवी माँ अपने श्री माँ को मोर कोटि कोटि जुहार। सभा में आने का बाद एक माहौल से पता चलता है कि क्षेत्र का हवा कैसा है। जैसे डॉक्टर को मरीज मिलने से थोड़ा सा पास सेव करने का बाद ही डॉक्टर बोल सकता है कि मरीज का हालत कैसा है। हेलीकॉप्टर से उतर के ही मुझको लगा कि कांडा मंजी में कोई चुनाव नहीं है, हम चुनाव जीत चुका है, उसमें कोई सफेद नहीं है। समय है क्या? मेरा तो 2 मिनट यहाँ आके मुझको पता चल गया है कि ये चुनाव हम जीत चुका हो 100% और बहनों। मोदी जी को मोदी रास्ता है। जय श्री राम। एक बार जोर से जय श्री राम। जय श्री राम में काम नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ काम होने दीजिए, जय श्री राम में कभी काम नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। भाई और बहनों, मोदी जी को पूरा जय श्री राम। कांग्रेस लोग पूछते हैं और बाकी लोग भी पूछते हैं कि 700 सीट क्यों, मतलब 399 वोट आने में वो लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका प्रॉब्लम 700 में। बार बार पूछते हैं भाई 700 सीट क्यों। ये तो दिमाग में कांग्रेस लोग हो बाकी लोग हो सबका दिमाग में समझना चाहिए कि हमें 700 सीट क्यों चाहिए। पहला बात, जब हम लोग मांगा था 300 पार, लास्ट टाइम हम लोग का स्लोगन था 300 पार, तो 300 पार होने के बाद हमने क्या किया? राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद का जगह में बना कि नहीं बना? 370 धारा हाथ दिया गया कि नहीं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया, सब कुछ हुआ कि नहीं जो बोला था? तभी जब मोदी जी 700 सीट मांगते हैं आप लोगों से, उसका अंदर में भी तो कुछ होगा। तो ये कांग्रेस को जानने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं कांग्रेस को इतना ही बताना चाहता हूँ, देश में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन 2-3 सीट जरूर होने वाला है, उसमें नंबर 1 क्या है? अभी भी अगर आप मथुरा में जाते हो, आप मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्मभूमि में अभी भी ईदगाह बना हुआ है, मतलब औरंगजेब का समय में हमारे कृष्ण का जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना दिया और अभी भी शाही ईदगाह ही है। राम जन्मभूमि बन गया है, अभी हमारा लक्ष्य है कृष्ण जन्मभूमि बनाना, वो भी अधूरा काम हमें खत्म करना है। मेरा विश्वास है आप लोग काशी में भी किया होगा, काशी विश्वनाथ का दर्शन भी कोई लोग किया होगा, लेकिन जब मंदिर में आप घुसते हो आपको
लेकिन ज्ञान बाकी ये सब कोई अरब भाषा में नहीं है। मुसलमान लोग कभी भी अपने बातचीत में ज्ञान बाकी का यूज नहीं करते। कुरान में ये लिखा हुआ है वो तो का जो जल है पानी है वो जल से ही पानी से ही बाबा विश्वनाथ का अभिषेक होते थे। ज्ञान बाकी मंदिर अभी मस्जिद बना हुआ है वो ज्ञान बाकी मस्जिद को भी हमें मंदिर बनाना है। ये भी वहां प्रभु जगन्नाथ जी उड़ीसा
इंडिया को सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन यही संपत्ति का उसी व्यवहार करके हमें उड़ीसा को देश का नंबर वन प्रदेश बनाना है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भाई और बहनों, उड़ीसा का जनता मेहनती, उड़ीसा का जनता काम करते हैं, उड़ीसा का जनता कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन आज उड़ीसा का जनता को क्या मिलते हैं? आप लोग देखिए, हमारा बीच में छत्तीसगढ़ का मंत्री बीज मोहन अग्रवाल जी हमारा बीच में उपस्थित है, हमारा बीच में छत्तीसगढ़ का ही एमएलए गजेंद्र सिंह यादव जी मौजूद है। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ चुनाव का समय हम लोग जब छत्तीसगढ़ में थे, वो समय मोदी जी ने गारंटी दिया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनेगा तो हम प्रति क्विंटल धान 3,100 रुपया में खरीदने का काम करेंगे। हमारा भूपेश बघेल जी था, विश्वास नहीं होता था, बोले ये असंभव है, लेकिन हम लोग सब लोग छत्तीसगढ़ में था, जनता को हम लोग हमेशा निवेदन करता था कि मोदी जी पर विश्वास रखिए, अगर मोदी जी ने बोला है तो वो काम मोदी जी करके दिखाएगा। आज मैं छत्तीसगढ़ का जनता को धन्यवाद करता हूँ, हमारा ऊपर विश्वास रखा और मोदी जी ने सरकार होने का एक महीना के ही अंदर में धान का एमएसपी 3,100 रुपया कर दिया। भाई और बहनों, आज हमारे उड़ीसा में धान को प्रति क्विंटल में हम लोग कितना रुपया मिलता हो, 2,100 रुपया, साथ में कटनी भी होता है, छंटनी भी होता है और पैसा भी समय में नहीं आते हैं। मोदी जी का गारंटी है हमारा उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बनेगा 10 तारीख को और हमारे उड़ीसा का किसानों को भी 3,100 रुपया में धान का कीमत मिलेगा, कटनी भी नहीं होगा, छंटनी भी नहीं होगा और धान लेने का 48 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसा आ जाएगा किसानों का, ये हमारा गारंटी। भाई और बहनों, 700 सीट के लिए संगीता सिंहदेव जी को हमें वोट देना है, लेकिन राहुल जी सरकार के लिए हमें लक्ष्मण देव जी को भी जिताना है, इसलिए इसलिए हमें दिल्ली में भी सरकार चाहिए और हमें भुवनेश्वर में भी हमारा सरकार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? राहुल जी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई और बहनों, उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान है, जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ हमें सब आशीर्वाद देते हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ का संपर्क, महाप्रभु जगन्नाथ का संपत्ति को अच्छा से रखना, ये भी उड़ीसा का जनता का कर्तव्य होता है। महाप्रभु जगन्नाथ ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया, जगन्नाथ महामंदिर का रत्न भंडार सुरक्षित रहे, ये भी उड़ीसा का जनता का जिम्मेदारी है, लेकिन आज जो रत्न भंडार का शादी कहा था, वो शादी अभी किसका पास है किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरा पता है वो शादी जरूर पंडियाल का पॉकेट में है, वो शादी पंडियाल। 10 जून मैं पंडियाल जी को बोलना चाहता हूँ, आप तमिलनाडु से आया, उड़ीसा ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आप जगन्नाथ जी का साथ अन्याय नहीं कर सकते। जो रत्न भंडार का साबी है, 10 जून का पहले महाप्रभु जगन्नाथ को लौटा दो, 10 जून का पहले रत्न भंडार का साबी महाप्रभु जगन्नाथ को लौटा दो, नहीं तो 10 जून का बाद वो साबी अगर
10 जून क्या पहले सभी लौटा दो, नहीं तो वहां पर जो जगन्नाथ का जो शक्ति है उनको सामना करने का आपका पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, आज जगन्नाथ मंदिर में इतना लोग आते हैं, क्यों इतना बड़ा लाइन करना चाहिए? घंटा घंटा लोग बाहर रहते हैं महाप्रभु का दर्शन के लिए। क्या है, आप क्यों सारों द्वार खुलने देते हो? अगर सारों द्वार आप खुल देते हो तो लोगों का इतना सुविधा हो, लेकिन आपका अहंकार का कारण आप दरवाजा खुल नहीं दे रहे। भाई और बहनों, ये बीजेपी का प्रतिज्ञा है, हमारे जब सरकार बनेगा साथों साथ हम जगन्नाथ मंदिर का सारों द्वार खोल देगा, ये हमारा संकल्प है और हम इसको निभाते रहेंगे। भाई और बहनों, भाई और बहनों, उड़ीसा का चुनाव का समय हम लोग शुभता योजना का बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था हमने लोगों के बीच में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया था, मोदी मंत्रालय योजना, हमने वादा किया था कि हमारा सरकार आएगा तो हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1,000 रुपया देने का काम करेंगे। उसका पहले मध्य प्रदेश में हमारा सरकार था, मध्य प्रदेश में हर माताओं का बैंक अकाउंट में हम 250 रुपया देता हूं। हमारे उड़ीसा का कॉम्पेरेशन में असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में भी हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 250 रुपया देने का काम करता हूं। आज आप देखिए बीजेपी का प्रदेश, मोदी जी का प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी माताओं का सम्मान किया जाता है, छत्तीसगढ़ में माताओं का सम्मान किया जाते हैं, हमारे असम में माताओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन उड़ीसा में माताओं को क्या मिलते हैं? कुछ मिलते हैं सरकार से, कुछ मिलते हैं, मेरा हिसाब से कुछ तो मिला है, थोड़ा याद कीजिए क्या मिला है आप लोगों को, क्या मिला है? चुनाव का पहले 2-2 खाली झोला मिला है, मिला है कि नहीं? चुनाव का पहले 2-2 खाली झोला मिला है ना? आप पंडिया का दिमाग देखो, मोदी जी साउ भेजेगा और पंडिया आपका हाथ में खाली झोला उठा देगा, कितना दिमाग लेके आया है आप लोग सोचिए। साउ आएगा दिल्ली से, साउ आएगा मोदी जी से और झोला होगा नवीन बाबू का। आप देखिए कितना तेज दिमाग है, इस दिमाग के लिए उनको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए, सही है कि नहीं? चाहिए आपने लोगों के पास क्या दिया? मैंने तो झोला दे दिया। अरे झोला में क्या है, कम से कम आधा के जी दाल का लेना सर सब देने से हो जाता था। 5 के जी साल अगर वो भी जिससे आते थे, कम से कम पंडिया तो आधा के जी दाल दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? साल के साथ अलमा भी बन जाते थे, बनते थे कि नहीं बनते थे? लेकिन वो क्या उठा दिया हमारा हाथ में खाली झोला। मां सुभद्रा का भूमि है, मां का हाथ में खाली झोला उठा देना वहां पाप है, इसीलिए बीजेपी ने आप लोगों को संकल्प लिया है आप लोगों के सामने चुनाव के बाद हम खाली झोला में ही माताओं का हाथ में 50,000 रुपया का भाव सर हम लोग उठा देगा, हम माताओं को नमन करूंगा, वंदन करूंगा। भाई और बहनों, आज अगर छत्तीसगढ़ में मां की पूजा हो सकता है, अगर मध्य प्रदेश में मां का पूजा हो सकता है, असम में मां का पूजा हो सकता है, तो मेरा मां का पूजा उड़ीसा में भी होना पड़ेगा, यही बीजेपी का संकल्प है। भाई और बहनों, मोदी जी का गारंटी, चुनाव होने का साथ साथ हम
संगीता जी, लक्ष्मण जी, हर माताओं को बोला के 50,000 रुपया का भावसार आप लोगों का हाथ में उठा रहे। अब जब चाहे बैंक में सलाह और वो 50,000 रुपया आप घर में ले आओ। इसलिए हमें पैसा का जरूरत है, हमें दोनों को, ये दोनों आप लोगों को 50,000 रुपया हर माताओं का हाथ में उठा देगा, ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है। ये मैं दोबारा आप लोगों को बोलना भाइयों और बहनों, उड़ीसा का झुमारा मंडल में बहुत बड़ा शक्ति है, महानदी जैसा नदी बहते हैं उड़ीसा में, बहुत बड़ा शक्ति है उड़ीसा का झुमाऊ में। लेकिन आज उड़ीसा का झुमाऊ का क्या हो रहा है, हरा घोर पराया हो रहा है। यहाँ से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में नौकरी ढूंढने के लिए आज उड़ीसा का धुआं सड़ा गया है। अगर आप गुजरात का सूरत, सूरत में जाते हैं, सबसे ज्यादा उड़िया युवाओं को आपको देखने मिलेगा। क्या उड़ीसा में संपर्क नहीं है? अगर आप कंपेयर करते हो तो गुजरात से उड़ीसा में ज्यादा संपर्क है। महाप्रभु जगन्नाथ ने उड़ीसा को कोयला से लेकर आयरन रोड लेके सब कुछ दिया हुआ है। खाली एक नेता चाहिए, खाली एक